हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर विजिट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल, आज अपने फिर बात करेंगे सुपर 30 क्वेश्चंस की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 150 150 एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर आने वाले हैं, तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल के साथ। अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर इज यूज टू, मैनोमीटर का यूज़ क्या होता है? रूट प्रेशर ज्ञात करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमल क्रॉप कौन सी है? शोरगम को कैमल क्रॉप बोला जाता है क्योंकि यह कुछ दिन तक बिना पानी रह सकती है और जब इसको पानी दिया जाता है तो काफ़ी मात्रा में ये पानी एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कौन से को ईयर को बोला गया है? तो अपने देखते हैं 2006 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है 2007 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर बोला जाता है। अपना ऑप्शन यहाँ सही होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है 2008 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। आप नोट कर लेना, मैं जो बता रहा हूँ अदर ऑप्शंस भी, वो भी नोट कर लेना। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो बोला जाता है 2008 को। 2009 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट वेट ऑफ राइस, राइस का टेस्ट वेट कितना होता है? 21 ग्राम राइस का टेस्ट वेट होता है। राइस का टेस्ट वेट 21 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडार इज ट्रेड नेम ऑफ, विडार किसका ट्रेड नेम है? तो अपने देखते हैं सबसे पहले पेराक्वाड का स्वाइप और ग्रामोक्सोन नाम होता है। स्वीप और ग्रामोक्सोन, ठीक है, ये नोट कर लेना आप। स्वीप और ग्रामोक्सोन नाम होता है। फिर 240 का नाम विडार होता है। 240 को विडार बोला जाता है ट्रेड नेम। और फ्लू क्लोरिन का नाम है बेसालिन, नोट कर लेना बेसालिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सोयल एक्टिव हर्बिसाइड, सोयल एक्टिव हर्बिसाइड कौन सा था? फ्लू क्लोरिन को सोयल एक्टिव हर्बिसाइड। ये कॉन्टेक्ट और अनसेलेक्टिव हर्बिसाइड है, कॉन्टेक्ट और अनसेलेक्टिव हर्बिसाइड, पेराक्वाट और ग्लाइफोसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 7, एल्कलाइन सोइल आर रिक्लेम्ड बाय यूज ऑफ, एल्कलाइन सोइल है जो किसके द्वारा रिक्लेम्ड की जा सकती है, किसके यूज के द्वारा? तो अपने जिप्सम के यूज के द्वारा एल्कलाइन सोइल को सुधारा जा सकता है। विच टाइप ऑफ द क्ले एज ग्रेटेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ग्रेटेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन सी सोइल्स की होती है? मोंटमोरिलाइट की सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ग्रेटेस्ट होती है। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज नोन एज, तो सॉइल टेक्सचर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं 10 नंबर, मोस्ट रेसिस्टेंट मिनरल्स इज वेदरिंग, वेदरिंग के लिए मोस्ट रेसिस्टेंट मिनरल्स कौन सा है? क्वार्ट्ज मिनरल है, वो रेसिस्टेंट होता है वेदरिंग के लिए। नाइट्रिफिकेशन इज डन एट पीएच, नाइट्रिफिकेशन होता है जो थोड़ा एसिडिक मीडियम में होता है, 6 to 6.5 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्विंस, इक्विंस का नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? अजमेर में इक्विंस का नेशनल रिसर्च सेंटर है। एनआरसी ऑफ इक्विंस कहाँ है? अजमेर में। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज नॉट ए वेराइटी ऑफ मैंगो, मैंगो की वेराइटी कौन सी नहीं है? तो देखो, अर्का अनमोल मैंगो की वैरायटी है, अर्का पुनीत मैंगो की वैरायटी है, अर्का अरुणा मैंगो की वैरायटी है, अर्का हंस है जो मैंगो की वैरायटी नहीं है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पे है? तो ब्राज़ील में है। विच ऑफ द फ्रूट इज मोस्ट सिचुएटेड टू मार्मलेट्स, मार्मलेट्स के लिए सबसे बढ़िया फ्रूट कौन सा माना जाता है? ऑरेंज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिबल बनाना जो खाने वाला बनाना होता है वो कौन सा होता है? टेट्राप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, तो टेट्राप्लॉइड होता है, ट्राइप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड, तीन गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं, 3N बराबर इसमें क्रोमोजोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल इज लोकेटेड, सब ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, इनफ्लोरोसेंस ऑफ बनाना इज, बनाना का इनफ्लोरोसेंस है जो कौन सा है? स्पेडिक्स, इनफ्लोरोसेंस, बनाना का इनफ्लोरोसेंस को स्पेडिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने,
क्रिकेट बॉल इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी, क्रिकेट बॉल जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्रिकेट बॉल जो है वेराइटी वो किसकी है, तो स्पोटा की वेराइटी है। बोटनिकल पाइनएप्पल फ्रूट इज, बोटनिकल क्लासिफिकेशन में फ्रूट को क्लासिफाई किया गया है, उसमें पाइनएप्पल को कौन से क्लास में रखा गया है, तो पाइनएप्पल को सोरोसिस में रखा गया। एडेबल पार्ट ऑफ पोमेग्रेनेट इज, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप की आपको वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, उसमें आप देखना कि एडेबल पार्ट के आधार पर, बोटनिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया है। तो एडेबल पार्ट ऑफ पोमेग्रेनेट कौन सा होता है, एरिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, मोस्ट सक्सेसिबल फ्रूट क्रॉप टू वाटर लॉगिंग इज, वाटर लॉगिंग के लिए सस्टेबल फ्रूट क्रॉप कौन सी है, तो पपाया है। ओरिजिन प्लेस ऑफ पाइनएप्पल इज, पाइनएप्पल का ओरिजिन प्लेस है ब्राजील। टिप हुकिंग इन कॉलीफ्लोर ड्यू टू डिफिशियंसी, कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के कारण टिप हुकिंग इन कॉलीफ्लोर होता है, तो बोरॉन की डिफिशियंसी के कारण टिप हुकिंग इन कॉलीफ्लोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, इन टोबेको KNO3 इम्प्रूव्स, टोबेको में KNO3 जो है होता है वो किसको इम्प्रूव करता है, तो ब्रूनिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ सेलाइन सोयल, सेलाइन सोयल का पीएच क्या होता है, अपने 8.5 से कम होता है और 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इम्प्रूव सोयल स्ट्रक्चर, सोयल स्ट्रक्चर कौन सा फर्टिलाइजर है जो इम्प्रूव करता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सोयल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड सिंथेसाइज्ड इन लीव्स टेक्स टू टेक्स प्लेस थ्रू, यानी कि जो लीव्स में फूड बनता है वो नीचे के भागों के द्वारा, स्टेम को, रूट को, किसके द्वारा मिलता है, तो फ्लोएम के द्वारा मिलता है। जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है कोई भी पदार्थ का प्लांट्स में, वो फ्लोएम के द्वारा होता है, और अपवर्ड मूवमेंट जैसे रूट्स के द्वारा ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब किया गया उनको पत्तियों तक पहुंचाने के लिए, लीव्स तक पहुंचाने के लिए जाइलम का कार्य होता है। तो अपने आंसर रहेगा फ्लोएम का, फूड का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो फ्लोएम द्वारा किया जाता है। विच ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्पफुल होता है, फास्फोरस हेल्पफुल होता है, इसको एनर्जी की ऑफ एनर्जी बोला जाता है। इन द फील्ड टेंशियोमीटर कैन बी यूज इन मेजर एट सोयल वाटर सक्शन ऑफ अप टू, यानी कि फील्ड में टेंशियोमीटर का सोयल वाटर मेजरमेंट के लिए, सोयल वाटर मेजरमेंट के लिए जो यूज़ करते हैं वो कितने बार पर किया जाता है, 0.85 बार पर किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9875053907, और कोई जानकारी आपको चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया या कुछ डाउट्स है आपके, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन सुपर 30 क्वेश्चन का आपका टेस्ट रहेगा गुरुवार और रविवार को, तो ग्रुप के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा टाइमिंग, और आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर टेस्ट रहेगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू।